अच्छी नहीं लगी। यदि आप कभी साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हो, यहाँ मिट्टी बहुत सारी पड़ी, मैं कभी आपको बोला बैठ जाओ जरा, तो बैठो क्या? चार बार इधर उधर ले लूंगी आप 2000 रुपये कपड़े पहन रखा। एक और बात है, आगे बात है, तो जिस घर में पवित्रता नहीं है, घर में कचरे का ढेर पड़ा हो, यहाँ वो गोदड़ी पड़ी हो, वहां खाट पड़ी हो, कोई साफ सफाई ना हो घर में, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में प्रेत का निवास होगा। भूत तुम्हारे घर में आके बैठेंगे। तीन प्रकार के भूत होते हैं प्रेत, सात्विक, राजस और तामस। जो तामस जो है, तामस जो प्रेत है, उन प्रेतों को, अरे उनकी खाने पीने की बात कभी कौन से तुम उल्टी कर दोगे, तो इसके लिए जो है ऐसे प्रेतों को हमारे घर में जगह न मिले, इसलिए जगह पवित्र चाहिए। हमारा मकान, हमारा घर जो है वो पवित्र चाहिए। ये प्रेत जो है ना गंदी जगह में आके बैठते और वही उनका भोजन होता है। इसके लिए हम स्वच्छता रखें, हम भी स्वच्छ रहे, हमारा घर भी स्वच्छ रहे, हमारा गांव भी स्वच्छ रहे। मांडव भट्टी से कौन कौन आएगा? पड़ेगा गोटीराम आएगा, गोटीराम नहीं आया क्या? कौन आया? और मांडवा भट्टी